हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हेल्दी सूप रेसिपी की सीरीज़ में आपका स्वागत है गाइस। आज मैं आपको सुपर डिलीशियस और सुपर इजी सूप की रेसिपी बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही बटरी और बहुत ही क्रीमी रहने वाला है। आज हम बना रहे हैं स्वीट कॉर्न सूप। ये वाली सूप की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी गाइस, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बड़ा बोल स्वीट कॉर्न लिए हैं, अच्छे से साफ़ कर लिया है और इनको अच्छे से धो लिया है। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे एक रफली चॉप किया हुआ प्याज। इसी के साथ जाएगा एक रफली चॉप किया हुआ मीडियम साइज का गाजर। 3 से 4 इसमें जाएगी लहसुन की कलियां। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सूप में, तो ये ज़रूर डालिएगा। एक तीखी वाली हरी मिर्ची हम इसमें यूज़ करेंगे और थोड़े से अलग से मैंने पहले से कॉर्न निकाल के रखे हैं। ये रेसिपी में अलग से यूज़ करने हैं, इसलिए मैं अलग से दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले कुकर में डालेंगे एक छोटा सा पीस बटर का, मेल्ट होने देंगे इसको थोड़ा सा। अभी हम इसमें ऐड करेंगे रफली चॉप किया हुआ प्याज। इसी के साथ जाएगा इसमें रफली चॉप किया हुआ लहसुन और हरी मिर्ची भी इसमें हम ऐड कर देंगे। 10 से 15 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको हमें कुक करना है। अच्छे से करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। 10 से 15 सेकंड के बाद बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसमें हम डालेंगे। गाजर डाल देंगे। गाजर से सूप का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आएगा और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अगर आप नहीं खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो। कॉर्न ऐड कर देंगे। अच्छे से करेंगे मिक्स 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 और 15 से 20 सेकंड के लिए इसको हमें कुक करना है। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम क्रीमी सूप बना रहे हैं, तो पानी आपको सिर्फ सब्जियां डूब जाए उतना पानी हम इसमें ऐड करेंगे, ताकि जो कंसिस्टेंसी है इसकी वाटरी ना हो जाए। तो अभी हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, पानी सिर्फ सब्जियां डूब जाए उतना ही हमें ऐड करना है और ढक्कन लगा के इसको हमें मीडियम फ्लेम पे 2 विसल आने तक कुक करना है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, कुकर को ठंडा होने देंगे, उसके बाद इसको ओपन करते हैं। अभी सब्जियों को हमें थोड़ा ठंडा होने देना है, क्योंकि इसका हमें एक प्यूरे तैयार करना है। तो अगर आप गरम गरम प्यूरे करने जाओगे तो आपके लिए भी खतरा है, क्योंकि जलने का डर रहता है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसका हम प्यूरे तैयार कर लेंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम ट्रांसफर करेंगे एक मिक्सी के जार में। ये जो सूप हम बना रहे हैं, ये 3 से 4 लोगों के लिए इनफ रहता है। एक एक बोल बन जाता है, यानी 4 बोल बन जाएंगे इससे। पानी हम वही वेजिटेबल्स में जो पानी था वो ऐड करेंगे और इसका एक प्यूरे तैयार कर लेंगे। तो कॉर्न का प्यूरे हमने तैयार कर लिया है गाइस। अभी इसका मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ, कितना ये क्रीमी लग रहा है एकदम से, और इसका कलर कितना अच्छा आया ये देखिए। अभी इसको साइड पर रखते हैं और दूसरे सॉस पैन में ले लेते हैं हम थोड़ा सा बटर। बटर को मेल्ट होने देंगे और जो कॉर्न हमने बचा के रखे थे वो यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं गाइस, सूप को एक क्रंची टेक्सचर देने के लिए। थोड़ा सा बटर मेल्ट होने के बाद इसमें हम वो कॉर्न ऐड कर देंगे और 15 से 20 सेकंड के लिए सिम पर इनको हमें बटर में सौते करना है, ताकि जब आप सूप पियोगे ना गाइस, तो थोड़े थोड़े जो कॉर्न्स आते हैं मुंह में, सुपर टेस्टी लगते हैं, एकदम बर्स्ट होता है फ्लेवर्स का। अभी आप देख सकते हो कलर जो है कॉर्न का वो एकदम चेंज हो गया है। और अभी इसमें हमने जो प्यूरे तैयार करके रखा हुआ है वो ऐड कर देंगे। जब भी आप कॉर्न में प्यूरे ऐड करोगे गाइस, आपको ध्यान रखना है गैस की फ्लेम को एकदम सिम पे कर दें, क्योंकि प्यूरे बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है तो तले पे चिपकने के 100% चांसेस रहते हैं। आधा कप मैंने इसमें अभी पानी ऐड किया है। अच्छे से करेंगे इसको मिक्स मिक्स मिक्स। टेक्सचर आप देख सकते हो गाइस, और जो कॉर्न हमने डाले हैं इतना अच्छा क्रंचीनेस आएगा ना, जब भी आप सूप
पियोगे। अभी हम इसमें डालेंगे मसाले, पिंक सॉल्ट इसमें जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/4 टेबलस्पून काली मिर्ची का पाउडर, 1/4 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टेबलस्पून इसमें जाएगी शक्कर। शक्कर से इसका टेस्ट दुगुना हो जाता है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये ज़रूर डालिएगा। अच्छे से करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। अभी इसको हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ इसमें एक उबाली आ जाए तब तक इसको हमें कुक करना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखें, बीच बीच में इसको हम स्टर करते रहेंगे ताकि ये तले पे ना चिपक जाए। एक से दो मिनट के बाद गाइस बॉईल अच्छे से आ जाएगा और इसको ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, सिर्फ एक बॉईल आने तक ही इसको कुक करना है। तो बॉईल हमारे सूप में आ गया है गाइस, आप देख सकते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारा सुपर डिलीशियस सुपर टेस्टी स्वीट कॉर्न सूप बनकर तैयार हो गया है। तो सुपर डिलीशियस सूप को हम फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। और ये जो सूप है गाइस, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आने वाला है, और जिसको स्वीट कॉर्न पसंद है गाइस उसको ये सूप बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हो तो ये सूप बहुत ही फुलफिलिंग है, बहुत ही हेल्दी है। तो ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थोड़ा सा इस पर स्प्रिंकल करेंगे हम चिली फ्लेक्स गार्निशिंग के लिए, और एक छोटा सा इस पे रखेंगे हम हरे धनिए का पत्ता। और लुक आप देख सकते हो गाइज, और इसका कलर आप देख सकते हो, सुपर डिलीशियस, दिखने में ही इतना टेस्टी लग रहा है। तो आप जब बना के ट्राई करोगे तो कैसा लगेगा, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।